हिलसा सर के बजरंग बाग में सर लूटपाट की घटना हुआ था, भीषण डकैती हुआ था सर। देखिए हिलसा क्षेत्र, हिलसा थाना क्षेत्र के यह घटना कल परसों रात्रि की है। करीब पुलिस को जानकारी मिली फ़ोन से 1 बजे रात्रि में, और जानकारी यह दी गई कि एक लूटपाट किया गया है, वो मारपीट की घटना किया गया है, और संख्या अपराधियों की संख्या ज़्यादा है। उसकी उम्र के संबंध में बताया गया कि उम्र थोड़ा कम है। पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस को सूचना मिलने के बाद 5 मिनट के अंदर ही पुलिस वहाँ पहुँची है। जब वहाँ पुलिस पहुँची तो उसके अनुसंधान में यह चीज़ आई है कि इनके पास लूट की जो घटना है वो 12 बजे से ही प्रारंभ किया था, और चूँकि उन्होंने मोबाइल छोड़ करके बाहर भाग गए थे घर से, तो और मारपीट कर किया था, तो भाग घर से जो फरार चले गए थे, तो इसी कारण से पुलिस को उन्होंने कांटेक्ट नहीं कर पाया। चूँकि वहाँ पर आबादी नया बसा है और आसपास के लोग कम है, वहाँ पर जनसंख्या कम है, इन्होंने दूसरे घर को ही मदद के लिए अपना मदद मांगा था, लेकिन उनसे मदद नहीं मिल पाई। इसी कारण से उन्होंने पुलिस को खबर करने में उनके साथ समझ देर हो पाई। संभव है कि अगर पहले खबर होता तो पुलिस उसको रंगे हाथ पकड़ पाती। फिलहाल उस घटना का जो एमओ है, उस एमओ में स्पष्ट हुआ है कि पहले जा करके घर में घुसा है, और किस तरह से घर में घुस करके लोकल जो पेड़ पौधा है, जिसमें शीशम का पेड़ का उन्होंने टहनी का तोड़ तोड़ करके उसका उपयोग किया मारपीट करने के लिए, और सभी लोकल लोग लग रहे थे जैसा उनका कहना था। मारपीट पहले खूब किया है उनके साथ में, जख्म कर दिया है, जख्म करने के बाद फिर वो निकल गए थे। उसके बाद 5-7-10 मिनट के बाद उन्हें जाकर दूसरे बार में उन्होंने उसके घर में जो भी था उसके साथ लूटपाट किया गया। चूँकि वह घर में नया हुआ था और ज़्यादा कुछ उसमें से नहीं होने की संभावना है, लेकिन हम लोगों ने जो देखा है, प्राथमिकी जो दर्ज कराई गई है, उन्होंने बताया कुछ ज्वेलरी थे उसमें, और कुछ उनके साथ जो बर्तन था, तो और कुछ लैपटॉप एक ले गए हैं और कुछ कपड़े ले गए हैं, तो उसका उन्होंने कुछ FIR में जिक्र किया है। कुछ हम लोगों ने उसके रिट्रीट के आधार पर हम लोगों ने कुछ बरामदगी भी हम लोगों ने किया है, कई सामान बरामद है, उसका हम डिटेल्स थाना से भी मिल सकता है आपको। कुछ बरामदगी उसमें हुई है, हम लोग तकनीकी अनुसंधान भी इस पर डिटेल्स में कर रहे हैं। कुछ हमने डॉग स्क्वाड का उपयोग किया था कल, जल्द ही इसका उद्भेदन भी हम लोग कर पाएंगे। लोकल क्या कारण हो सकता है घटना का, चूँकि घटना का जिस मेमो है, जिस तरीके से घटना किया गया है, तो लगता है कुछ न कुछ इसके पीछे कुछ कहानी है, तो डिटेल हम लोग अनुसंधान करने के बाद, कुछ उद्भेदन होने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं।